तृप्ति अग्रवाल, अरे पैसे इसको भी लो, ऐसे मर्जी से खींच रहे हैं। एथलेटिक चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत है और विभिन्न जनपदों से हमारे बीच में मैं सुशीला सिंह रानी मुरार रिटायर्ड लेक्चरर हूँ इकोनॉमिक्स के। सुशीला जी आज आप क्या कर रही हैं, किस ये 7001 का लगा हुआ है? ये मास्टर एथलेटिक्स महिलाओं का हो रहा है और इसमें क्वालिफाई करने के बाद नेशनल में गोवा में होगा, फिर वहाँ जो प्लेस आएगा उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे अदर कंट्रीज। ठीक है, आपको किस ग्रुप में रखा गया? हमें 70 वैसे मैं 72 की हूँ, लेकिन 70 प्लस में मैं। 70 प्लस में। इसके पहले भी कभी आपने ऐसे गेमों में पार्टिसिपेट किया है? वही कई बार किया है, तब मैं 60 में थी, 60 से कम में थी, है ना, बहुत समय से कर रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग कब से किया है ऐसे गेमों में भाग लेना, कब से शुरू किया? स्टार्टिंग में की हूँ 2002 से। 2002 यहाँ होता था मास्टर एथलेटिक्स पुरुषों, इस बार पहली बार महिलाओं का होता है। अच्छा, पुरुषों का होता था पहली बार महिलाओं का? हाँ, पुरुष और महिला इक्वल होता था, यही यूपी कॉलेज ग्राउंड पे कानपुर में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है और करीब करीब मैं अपने देश के सभी जगह, मैसूर, बेंगलोर, सब जगह नेशनल में जा चुके हैं। क्या उम्मीद है आपको कि आप फाइनल खेलेंगे? क्या पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या कहेगी उन महिलाओं से जो घरों में काम तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा दबी रहती है कि हम भी ऐसा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है? तो उनको अपने आगे आना चाहिए, कोई करता नहीं है, सब लोग घर में जाते हैं, काम ही करो, लेकिन अपने लिए भी समय थोड़ा सा निकालना चाहिए। शायद मेरे इतना कोई काम करने वाला, मैं घर भी देखती थी, बच्चों को देखती थी, आए गए को देखती थी, कॉलेज भी देखती थी, है ना, तब भी मैं भाग लेती थी। मेरी प्रिंसिपल कहती थी तुम तो गजब की हो भाई। सबको हाथ हिलाते हुए इनके लिए तालियां एक बार होनी चाहिए कि 70 साल की उम्र में भी बीमारी से लड़ने के बाद भी आपकी आपका जिन महिलाओं में जिन चुनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं और हिम्मत करके मैदान में उतरी हैं, नहीं तो हार का गम है न जीत का, जो भी हो। मेरा नाम शारदा दुबे, डॉक्टर शारदा दुबे, आप कह सकते हैं। शारदा जी, अभी जैसा कि पता चला कैंसर की बीमारी से जी एक साल मुझे, मैं परेशान हुई ब्रेस्ट कैंसर से, 28 नवंबर 2017 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ और 6-7 महीने तक कीमो चढ़ता रहा और रेडिएशन होता रहा, काफ़ी परेशान रहे हम, लेकिन धीरे धीरे फिर रिकवर किया और मेरा हौसला तो वही है। लेकिन ख़ास बात आपको एक बता दूं, जब कीमो चल रहा था, मैं बिस्तर पर थी, तब मुझे लगता था कि कुछ तो करना चाहिए, तो मेरे जो गीतों का सिलसिला था, पारंपरिक गीत और संस्कार गीत मैं गाया करती थी, तो उसमें जोर शोर से लग गई, खूब सारे गीत रिकॉर्ड किए और मेरे बेटे ने मुझे साथ दिया, मेरे गीतों को वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड किया। इस समय समझ लीजिए कि 1.25 साल के अंदर मेरे 1,27,000 सब्सक्राइबर्स हैं और समझ लीजिए कि 4 करोड़ के करीब व्यूज़ हुए हैं मेरे गानों के, और कुछ गाने तो है 67 लाख व्यूज़ हुए हैं। और मैं देखिए अभी 3 किलोमीटर की वॉक में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसके अतिरिक्त 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में और शॉटपुट थ्रू में भी भाग लूँगी। ये जो खेलने का पसंद जी है, जी इसको किस तरह देखती हैं और क्या उम्मीद करती हैं कि क्या फाइनल में गोवा भी खेलेगी? देखिए, मैं बचपन से ही खेलकूद में मुझे इंटरेस्ट रहा है, मैं स्कूलिंग जब हो रही थी तब भी मैंने नेशनल पार्टिसिपेशन किया था और फिर उसके बाद तो छूट गया करीब करीब, लेकिन अभी भी मेरा वही जज्बा है और मैं जीत जाऊँगी और मौका मिले तो गोवा ज़रूर जाऊँगी। जानते हैं वो हमेशा उत्साहित करती रहती है, मेरे परिवार के हर व्यक्ति, मेरा पोता है आकाश, मेरा बेटा है आनंद और मेरी बहू नीलू। मैं जब कैंसर की पेशेंट थी और कैंसर से लड़ रही थी तो उन लोगों ने इतना पॉजिटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में भर गया कि मैंने सोचा कि क्या है ये, जैसे रात के बाद दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, तो ये रात हुई है मेरे जीवन की, सुबह होना ही होना है और मैं जीत गई।
कहीं ना कहीं कैंसर को एक मामूली बीमारी समझा, एकदम मामूली बीमारी समझा, उबर कर आई, फिर आप बिल्कुल बिल्कुल कर रही हैं, रन बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहें लोगों से, मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ और लोगों को ये कहती हूँ कि कोई भी बीमारी हो, कैंसर भी चाहे कोई भी बीमारी, उसको अंत नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए भगवान कुछ परीक्षा ले रहे हैं, आपसे और अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो देख रहे हैं कि इस परीक्षा में आप पास हो जाती हैं तो और अच्छा काम करेंगी। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन को एक पॉजिटिव थिंकिंग दे और ये सोचे कि जीवन का अंत नहीं है, एक दिन एक एक दिन को जीना सीख ले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली, कितने सत्कर्म करने के बाद एक ज़िंदगी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में हमारे मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन वाराणसी के मिलता रहता है, आपका सर स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रतियोगिता को कराने के लिए दे दी कि नहीं आप लोग कराइए, हम आपके साथ हैं। कन्याश्रम आगे है जो प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन अपना कराए हैं उनके लिए चांगरानी, जो कि इनका ऑफिशियल नाम है दिशा चांगरानी, वो भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए इन लोगों को मैं माइक हैंड ओवर करूँगी, बेनिफिट भी मिलते रहे। निहारिका राय, गुड मॉर्निंग बनारस, मैं निहारिका राय आप सभी के समक्ष आज फर्स्ट उत्तर प्रदेश वुमेन्स मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सब अपने लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं कि आप यहाँ पर पे आए पहुँचे और आपने खुद का अपना उत्साह वर्धन किया, इसके साथ ही आप अपने परिवार को बताएं हर एक घर में, क्योंकि वो घर के साथ साथ बाहर की भी भागदौड़ संभालती हैं, उन्हें सिर्फ घर ही नहीं, उन्हें बच्चे ही नहीं, उन्हें बाहर का माहौल, बाहर की जो भी भागदौड़ है, मतलब एक चिंता होती है सिर्फ घर की ही नहीं बाहर की भी, पैसों की भी होती है, बैंक अकाउंट की। फर्स्ट रैंक से मंजूरी 5007 जिन्होंने ये शॉर्टपट में जीता है फर्स्ट। जी सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं के एन तिवारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। वाराणसी में पहली बार ये जिस तरह से महिलाओं का मास्टर्स गेम हो रहा है, कितनी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके इसमें भाग लेने से किस तरह का उनका रिएक्शन है, क्या कह रही है? हम लोगों का प्रयास था कि अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश से महिलाएं आएं, भाग लें, और लगभग 70-80 महिलाएं आज यहां पर उपस्थित हुई हैं और अभी भी आ रही हैं बराबर, और यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन की प्रतियोगिता है, मौसम को देखते हुए इसको, इस प्रतियोगिता को हम लोगों ने सूक्ष्म में करने की कोशिश की है। कुछ इवेंट जो डिस्टेंस रनिंग के हैं 5,000-10,000 वगैरह, इनको नहीं आयोजित किया है क्योंकि गर्मी के मौसम को देखते हुए ये इवेंट्स कराना मुमकिन नहीं था। ऐसा करता हूँ कि ये भविष्य में ये कॉम्पिटिशन महिलाओं का महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक बहुत ही बड़ी भूमिका ये निभाएगा और महिला सशक्तिकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष विभिन्न स्थानों में यूपी में आयोजित होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रतियोगिता के बाद यहाँ से चयनित जो महिलाएं हैं वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोवा में 29 जून से भाग लेने के लिए जाएंगी, और वो उनके लिए मेरी शुभकामनाएँ रहेंगी कि वो जा करके राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना शानदार प्रदर्शन करें और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। अभी अगर बात की जाए वाराणसी में, तो यूपी से कहाँ कहाँ से लोग अभी यहाँ पार्टिसिपेट करने आए? हाँ, यहाँ सभी करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट से, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, यहाँ तक से शाहजहाँपुर से, सहारनपुर से, मेरठ से, नोएडा से, आगरा से, लखनऊ से, गोरखपुर, सोनभद्र और ये आसपास के जो ज़िले हैं कानपुर, झांसी, आगरा, ये सब जगह से महिलाएं आई हुई हैं, कहीं से
एक दो ही महिलाएं यहाँ आई हैं, कहीं से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बनारस से है। स्थानीय होने के नाते यहाँ खिलाड़ियों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। और बहुत अगर बात की जाए इस तरह के गेमों की, तो अन्य जिलों में भी क्या कराए जाने की योजना है? जी हाँ, ये तो हमारी जो ये चेन है प्रतियोगिता की, ये चलती रहेगी प्रत्येक वर्ष। अभी पहली प्रतियोगिता है पुरुषों में, हम लोग 32 प्रतियोगिताएं 32 वर्षों से आयोजित करते चले आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं में ये पहली प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। तो उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता हमारी आने वाले भविष्य में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी महिलाएं। आज ये प्रथम यूपी मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि यूपी कॉलेज के मैदान में हो रहा है, इसमें विभिन्न शहरों से खिलाड़ी आए हैं, आगरा, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, सोनभद्र और वाराणसी से करीब 100 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल है, ये 30+ एज ग्रुप से लेकर के 70+ एज ग्रुप तक की मैक्सिमम एंट्री आई है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग फिटनेस के लिए कितना एक्साइटेड, और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर प्रियंका सिंह पटेल जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था, ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम लोग एक बनारस एक संदेश दे रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारा कैरियर अगर ख़त्म हो रहा है तो हम लोग पीछे हैं, हम लोग एक दूसरे कैरियर में जाते हैं और अपने आप को फिटनेस के थ्रू और अपने परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों को संदेश देते हैं कि आप किसी भी एज ग्रुप में अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे परफॉर्मेंस में ला सकते हैं। अभी भी जो गेम हुआ है वो कौन कौन सा गेम हुआ और कितने लोग? अभी 1500 मीटर हुआ है, उसमें करीब 4-5 एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट किए हैं, और वॉक हुई है 3 किलोमीटर वॉक, उसमें करीब 50 महिलाओं ने भाग लिया है। और अब इसके बाद 100 मीटर रेस और शॉर्ट पुट चल रहा है, जस्ट उसके बाद जैवलिन थ्रो होगा। तो कंटिन्यू हमारे इवेंट लगे हुए हैं जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, गर्मी का समय है, लगातार से ख़त्म कराने का। और महिलाओं में बहुत उत्साह है और सभी बहुत एक्साइटेड होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी को ये है कि इसके बाद नेशनल प्रतियोगिता गोवा में हो रहा है तो सभी उसमें जाना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश है, कहीं ना कहीं इसी में से इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रतिभागी हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। भाई मेरा मत खींच लेना फोटो, तो पीछे ले लिया एक फोटो ये बात ठीक है, बस ऐसे ही फोटो एक ये देख बेटा इधर देखते रहना। हाँ अरे थोड़ा सा कम से कम। हेलो क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। मंजू जी कहाँ से आप आई हैं? हम जौनपुर से आए हैं, बनारस आए थे अपनी बहन के यहाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई जरा भाग ले लो, तो हमने सोचा कि भाई चलिए। तो पहली बार ग्राउंड में उतरे हैं। पहली बार आपका ये ग्राउंड में पहला है? पहली बार है। किस एज ग्रुप में आपने पार्टिसिपेट किया? 50+ में। तो अभी आपने यहाँ पर क्या क्या गेम किया? अभी तो वही गोला फेंके हैं और तो मंजू जी आपने अभी डिस्क भी फेंका है, तो 10 मीटर गया करीब, लग रहा है आप ही का अभी तक सबसे 10 मीटर का गया। उसके सर ही बता पाएंगे कि मेरा ही क्या है। अच्छा, महिलाओं के लिए जो इस तरह का ये गेम हो रहा है 40+ से लेकर 100 तक, इसको आप कितना सही मानती हैं और कितना ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत तो है ना, कम से कम उन्हें भी तो स्थान मिलना चाहिए गेम में, और कम से कम मैदान में उतरने के बाद उन्हें भी तो पता चले कि भाई वो भी कुछ कर सकती हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि गोवा में होने वाले फाइनल में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, मौका मिला तो? उम्मीद तो है मिलेगा चांस तो ज़रूर जाऊँगी। Thank you.
यहाँ पर पहले इस्तेमाल वापसी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू।